नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य। आजमगढ़ के अतरौलिया में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री का समर्थकों संग भाजपा नेता ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी का बलिया से लखनऊ जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा ने अपने सैकड़ों समर्थकों, जिसमें मुख्य रूप से विनोद पांडे, केशव तिवारी, पिंटू मिश्रा, हरिओम उपाध्याय, रविन्द्र सिंह, मंडल अध्यक्ष हिरोला उपेंद्र मिश्र, दीपक सिंह, रंजय तिवारी, धीरज मिश्रा, सुधांशु चतुर्वेदी, फौजदार निषाद सहित लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। रमाकांत मिश्रा ने जनपद की स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में उनसे चर्चा करते हुए और जनपद में झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग होम, पैथोलॉजी एवं सोनोग्राफी में भ्रूण की जांच की जा रही है, जिसकी वजह से गरीबों को लूटा जा रहा। उन्होंने अतरौलिया में बने 100 शैया अस्पताल के बारे में भी उन्हें अवगत कराया, जहां अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा है, वहीं उन्हें अधिकतर दवाएं बाहर से लिखी जाती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर अपनी निजी क्लिनिक में मरीजों को बुलाते हैं। जाते समय उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शीघ्र ही 100-बेड हॉस्पिटल अतरौलिया आने का आश्वासन दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।